गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर हमारे पास सैलरी से कोई इनकम आती है, साथ ही साथ हम बिजनेस से भी कोई इनकम करते हैं, तो हमें कौन सी ITR फाइल करनी चाहिए। क्या हमें ITR 1 फाइल करनी चाहिए, ITR 3, ITR 4 और ITR 5, इसमें से कौन सी ITR हम फाइल करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नॉर्मली हमारे पास इनकम आती है वो आती है अगर हम जॉब कर रहे हैं तो सैलरी से इनकम आती है, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस से इनकम कमाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं जॉब के साथ साथ बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस के साथ साथ जॉब करते हैं तो वहाँ से भी इनकम अर्न करते हैं। तो जो पर्सन जॉब करते हैं सैलरी अर्न करते हैं वो लोग अपनी ITR 1 फाइल करते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और दूसरा है जो लोग बिजनेस करते हैं, इस चार्ट को अगर हम समझ गए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी ITR अपनी बिज़नेस के लिए फ़ाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको CA से ऑडिट कराना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा, और आपको ITR 3 या ITR 5 इसमें से कोई एक ITR फाइल करनी पड़ेगी। कैसे डिसाइड होगा, अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो आपकी ITR 3 जाएगी। और अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF, अगर आप फर्म है, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, तो आपकी ITR 5 जाएगी। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, अगर हमारी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो मोस्ट ऑफ पर्सन जो छोटे व्यापारी होते हैं उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम होती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को 8% से ज़्यादा डिक्लेयर कर दें जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, और वो अपना प्रॉफिट 6% या 8% से ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं। मान लीजिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, साल भर का 1 करोड़ है, और आपने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया 10%, तो 10% डिक्लेयर करने पे आपने 10 लाख इनकम डिक्लेयर कर दी। इस पे जो भी टैक्स बनता है आप पे कर दीजिए, आप सिंपली ITR 4 फाइल कर दीजिए, आपको कोई CA से ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटेल्स अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ITR 4 कब फाइल कर सकते हैं, तो ITR 4 आप तब फाइल कर सकते हैं जब आप अपने सेल्स का कम से कम 8 या 6%, इतना प्रॉफिट आप डिक्लेयर करें। इससे ज़्यादा आप डिक्लेयर कर सकते हैं पर कम नहीं। अगर आप कम डिक्लेयर करते हैं तो आपको ITR 3 या 5, जैसे हमने इस केस में बताया था, आपको CA से ऑडिट कराना पड़ेगा, या 3 या 5 जो भी एप्लीकेबल होगा आपको ऑडिट करा के ये वाली ITR आपको 3 या 5 फाइल करनी पड़ेगी। तो ये 6% और 8% का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये देखते हैं ये 6% या 8% का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हमें अपनी ITR 4 फाइल करनी है, अपने डिटेल्स अकाउंट्स हमें मेंटेन नहीं करने हैं, और हम चाहते हैं कि CA से भी हम ऑडिट ना कराएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को 6% या 8% से ऊपर रखना पड़ेगा। तो 8% किस केस में, 8% है अगर आपकी टोटल सेल कैश में होती है, तो आपको 8% अपनी इनकम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जो 8% इनकम आएगी उस पर जो भी टैक्स बनता होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेट्स से मान लीजिए आपने 1 करोड़ की टर्नओवर की, मान लो 1 करोड़ की सेल की, और सारी सेल कैश में कर ली, तो आप 8% 1 करोड़ का 8% 8 लाख रुपए अपनी इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, और इस पर जो भी टैक्स बनता होगा स्लैब रेट के हिसाब से, 2-2.5 लाख तक नील बनेगा, 2.5 से 5% और 5 से 10 लाख पे 20%, जो भी टैक्स बनेगा आप पे कर दीजिए। और 6% का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपने अपनी सेल्स अदर देन कैश, इसमें कैश नहीं होना चाहिए, इसमें आप चेक हो सकते हैं, इसमें UPI हो सकती है, नेट बैंकिंग से आप यूज कर सकते हैं, इसमें RTGS, NEFT, अदर ऑनलाइन मोड आप चूज़ कर सकते हैं, जो कैश के अलावा आप कोई भी मोड यहाँ पे चूज़ कर दीजिए, और उस पे आप 6% इनकम डिक्लेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर है, और इस पे आप 6%, 1 करोड़ का 6% 6 लाख आ गया, 6 लाख आप इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, और इस पे जो भी टैक्स बनता हो वो पे कर दीजिए, तो आपको CA से ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और अपने डिटेल्स अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लेते हैं आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है, इसमें से आपने 60 लाख तो कैश में सेल कर दिया और बैलेंस 40 लाख आपने अदर, मान लीजिए आपने UPI के थ्रू, चेक के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू कोई अदर मोड में आपने यहाँ पे पेमेंट ली सेल्स की, तो आपको 60 लाख का 8% कम से कम डिक्लेयर करना पड़ेगा और जो 40 लाख जो आपने बैंक वगैरह से पेमेंट किया है या पेमेंट लिया है सेल्स किया है तो उसमें आपको मिनिमम 6%, इससे ऊपर आप कर सकते हैं, मतलब मिनिमम है ये, या इससे ऊपर आप कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप इससे ऊपर कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। तो ये हमने देख लिया, अगर हमारी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम अपनी ITR 4 फाइल करें और 8% या 6% से ऊपर का प्रॉफिट डिक्लेयर करें, उस पर जो भी टैक्स बनता हो उसे पे करें। अगर क्या करें, अगर हमारा प्रॉफिट ही कम हो, मान लीजिए हमारा इस बार प्रॉफिट कम आया, 8% से कम या 6% से कम आ गया, तो क्या कराना पड़ेगा, तो फिर हमें फिर से अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ेंगे CA से, और ITR 3 या ITR 5 जो कि एक डिटेल्स ITR होती हैं उनको फाइल करना पड़ेगा। तो सैलरीड पर्सन की हमने बात कर ली, ITR 1 फाइल करेंगे। बिजनेस पर्सन की हमने बात कर ली, ITR 4, ITR 3 या ITR 5, इसमें से कुछ भी फाइल कर सकते हैं जो भी एप्लीकेबल होगा। और अब बात करते हैं, अगर हमारे पास इनकम है, सैलरी प्लस बिजनेस दोनों की इनकम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी सैलरी वाली इनकम को भी ऐड कर देंगे। इसमें ऑप्शन रहता है ITR 4 में कि आप अपनी सैलरी की इनकम को भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका प्रॉफिट कम आ रहा है या आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो ITR 3 या ITR 5 में भी ये ऑप्शन है कि आप अपनी सैलरी की इनकम को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास सैलरी की इनकम है प्लस बिजनेस की इनकम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आप अपना प्रॉफिट 8% या बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा 8% या 6% से ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आप अपना प्रॉफिट कम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं या ITR 5 फाइल कर सकते हैं, जो भी केस हो, इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल एंड HUF के केस में हम ITR 3 फाइल करते हैं और फर्म के केस में हम ITR 5 फाइल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आप बिजनेस करते हैं कमीशन का, जिस पे आपको कमीशन मिलता है, तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, तो आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कि ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको CA से, तो इसमें आपको अपनी ITR 3 फाइल करना पड़ेगा अगर आप कमीशन बिजनेस है। बाद बाकी के लिए मैंने आपको समझा दिया है, अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। थैंक यू।